My question is, what are the risk factors and are they controllable? तो अब सवाल ये आता है कि हमारे रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं सबको? तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि जेंडर है, कि अगर कोई फीमेल है तो फीमेल में जैसे प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क फैक्टर होता है कि उनमें डायबिटीज हो सकती है प्रेगनेंसी में, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है प्रेगनेंसी में, या फिर कई बार पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाती है, ब्रेन में हेमरेज हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो लेडीज़ में रहेंगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और कुछ जो हमारे हैं जैसे कि हेरिडिटरी, कि हमारे पिताजी को था, माताजी को था, हमारे भाई साहब को था, तो हमारे को भी जीन्स में है, तो इसलिए हमारे को चांस ज़्यादा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे रेसिस है, कुछ रेसिस हैं कि इंडियंस जो हैं उनको पाया गया कि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक से डेथ होने का, जापनीज से बहुत ज़्यादा होता है, अमेरिकन से भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इंडियन जापान में जाके या अमेरिका में जाके बस जाए तब भी उसका रिस्क फैक्टर उतना ही रहता है, वो कम नहीं होता, वो पार्टली उसका हेरिडिटरी है, पार्टली उसका लाइफस्टाइल है, तो उसका लेकिन रिस्क फैक्टर उनके अमेरिकन से या लोकल जो नेटिव पॉपुलेशन से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। और नेक्स्ट चीज़ है जो एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका बीमारियां होने का रिस्क बढ़ता है, आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एज रिलेटेड है, लेकिन एज को क्या हम कैप्चर कर सकते हैं, क्या हम एज को कैप्चर कर सकते हैं? ऐसा कहते हैं कि एज भी कैप्चर हो जाएगी, कहते हैं कि 2045 में एक स्टेज आ जाएगी कि हम ऑप्ट कर सकते हैं कि हमको मरना है या नहीं मरना। अगर सब लोग अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लें, अपने हार्ट को हेल्दी रखें और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, तो हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, हमारे गुरुजी भी शायद इस बात को सपोर्ट करेंगे, कि वो कहते थे, कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोली, हमारी दादी नानी भी बोलते थे कि जो आप भगवान आपको भेजता है तो आपके हिस्से का अन्न आपको बना के भेजता है कि इतना अन्न खाना है, और धड़कने भी गिन के भेजता है कि इतनी धड़कने आपने जीनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा अनाज खा लेते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारा स्टोर। और बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, चूहों पे रिसर्च किया कि कुछ चूहों को ज़्यादा खाना खिलाया, कुछ को कम खाना खिलाया, और ये पाया गया कि जो जिनको ज़्यादा खाना खिलाया था वो जल्दी मर गए, और जिनको कम खिलाया था वो ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहे और फिट रहे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो बुजुर्ग बात बोलते थे या जो हमारे वेद पुराण में बातें लिखी हैं वो सही हैं, उसका साइंटिफिक लॉजिक है। धड़कन के बारे में भी ऐसा है कि अब जैसे हार्ट का कोई पेशेंट होता है, हम उसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं धड़कन कम करने के लिए, स्लो करने के लिए धड़कन, ताकि हार्ट को रेस्ट करने का भी टाइम मिले और वो अपने को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर दे सके। हमारी कॉरोनरी आर्टरी जो है उसका फ्लो भी डायस्टोल में होता है, तो वो भी फ्लो बढ़ेगा अगर हम हार्ट रेट को स्लो रखेंगे, हार्ट रेट को फास्ट रखेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे घोड़े को आप विप मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक स्टेज आएगी वो गिर जाएगा, वही हमारे हार्ट का हाल है कि अगर हम उसको विप मार के दौड़ाते रहेंगे तो एक दिन आएगी ऐसी कि वो किस दिन बैठ जाएगा। तो ये सब बातों का साइंटिफिक लॉजिक है, और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पुराण में लिखी हैं वो सही हैं, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ फैक्टर जो ऐसे हैं जो लकीली ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, वो फैक्टर क्या हैं, कि जैसे हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, आजकल एंगर गुस्सा सबको बहुत ज़्यादा है, आप रोड पे जाते हो रेड लाइट पे भी लोग हॉर्न मारते हैं पीछे से, तो गुस्सा सबको हो गया, वो गाड़ी से उतर के पीट देते हैं अगर कोई उसको रास्ता नहीं देगा। तो ये सब भी जो है ना अब ये हार्ट अटैक के और मौत के कारण बन गए हैं। तो उसके बाद जो हम कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर अब नया एविडेंस आ रहा है और लोग उसको इग्नोर करते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर है, हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इवन जैसे हम किस जगह रहते हैं, हमारा वर्क प्लेस कैसा है, हमारी जॉब कैसी है, हमारा बॉस कैसे हैं और हमारे जो कलीग्स कैसे हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, अगर हम आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं तो वो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है हमारे को इन सारी बीमारियों के होने का। हम आजकल फैमिली में मिलके नहीं रहते,
हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करता, बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे अपने वाइफ अपने हस्बैंड अपने चला हुआ है, ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही हैं। अब इन रिस्क फैक्टर्स को अगर जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ज़िंदगी में है कितने रिस्क फैक्टर, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें फिर जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे उतना ही हमारा रिस्क ज़्यादा है। अगर अब चार रिस्क फैक्टर हैं इसका 4 गुना बढ़ गया हमारा रिस्क हमारे को कुछ होने का, तो अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे, अगर हम 2 को कंट्रोल करेंगे तो हमारा रिस्क हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी और हमारी हेल्थ स्पैन बढ़ जाएगी। अब लेडीज़ में बहुत ही मिथ है ना कि लेडीज़ को कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ कम होती है जेंट्स के कंपेरिजन में, ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है। फ़र्क ये है कि प्रेगनेंसी में डिफरेंट डिजीज़ होती हैं हार्ट की और बाद में डिफरेंट होती हैं। आफ्टर मीनोपॉज जो है लेडीज़ का हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है, मोटापा लेडीज़ में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैन, और डायबिटीज़ भी लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। लेडीज़ की आर्टरीज़ भी छोटी होती हैं साइज़ में, और लेडीज़ जो होती हैं वो इग्नोर भी करती हैं अपने सिम्टम्स को, और लेडीज़ में टिपिकल रिस्क फैक्टर जो होते हैं टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते। एक तो वो या तो घर में रहती हैं जो लेडीज़, या जो सेडेंटरी जिनका जॉब्स हैं कि चेयर पे बैठने का जॉब है ऑफिस में, उनको उतना एग्जर्शन नहीं होता कि वो सिम्टम्स जल्दी आए। दूसरे उनको एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती, उनको कई बार लगता है कि थकावट बहुत हो रही है लेकिन समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, कई बार वेग सी हेडेक होती है, कई बार लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, कई बार लगता है कि पैल्पिटेशन है, घबराहट है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाता क्या है। तो बहुत सारे डॉक्टर भी मिस कर देते हैं लेडीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि उनको टिपिकल सिम्टम नहीं होते जैसे जेंट्स में होते हैं। प्लस जैसे लेडीज़ में अगर हम डायग्नोज कर दें डिजीज़, तो कई बार वो फिर भी नहीं ट्रीटमेंट कराते, वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी ये घर में काम है, हमने ये काम लगाया हुआ है, तो वो अपने पोस्टपोन करते रहते हैं ट्रीटमेंट, उसकी वजह से भी उनको कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है।